पैसे घर में देता भी हूं, तो मैंने वो छोड़ दिया। तो लोग पूछते हैं ना कि सर आप तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए हैं, एशिया रिकॉर्ड बना लिए, नाम इतना कमा लिया, जो भी थोड़ा बहुत नाम कमा लिया, ये कर लिया। तो मैं बोले सब देखता है, लेकिन उसके नीचे पांव में छाला कोई नहीं देखता कि पांव में छाला कितना पड़ा, दिमाग में कितना छाला पड़ा, ये कोई नहीं देखता। लेकिन इससे फायदा हुआ, बहुत दोस्त हमको बोलते हैं, फोन करता है कभी कभी, बहुत सारे दोस्त हैं, बड़े बोलता है याजीद भी बोलता है कि तुम भूल गए और तुम बदल गए, हमको इसके लिए तो इतना मेहनत किया। बोला तुम आज आते हो पटना तो मेरे यहाँ आते नहीं, आ तुम आते हो नालंदा तो मेरे यहाँ आते नहीं, हमको इसी के लिए तो इतना मेहनत किया। ये बट तुम तब बोल रहे हो जब मैं तुम्हारे पास, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे पास जाने का। अगर मैं उसी शहर में रहता, उसी गांव में रहता, उसी कस्बे में रहता और तुम्हारे पास मैं जाता आता जाता रहता, तो आज तुम बोल रहे हो कि सर आप, सर नहीं अजीत आप, तुम आते नहीं, ये वहीं रहता, तुम बोलते क्या यार डेली पहुंच जाते हो, तुम यही बट बोलते। बोला सर बदल गया तो बदलने का, आप भी तो बदलने के लिए इतना मेहनत, मेरा क्लास क्यों कर रहे हैं और क्लास कर रहे हैं काजल मैम का कर रहे हैं, मैथ कहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ क्यों पढ़ रहे हैं, अपने आप को बदलने के लिए, जो स्थिति में आप हैं उस स्थिति से अच्छा करने के लिए, खुद के लिए नहीं, इसके पीछे बहुत लोग हैं, आपके मम्मी हैं, पापा हैं, भाई हैं, बहन हैं, सबके लिए कर रहे हैं, खुद के लिए थोड़ी कर रहे हैं, सिर्फ खुद के लिए करना होता तो नहीं करता, सभी के लिए करना होता है। जब लोग आपके लिए कुर्सी छोड़ दे, समझना आप सक्सेस हो गए, और आप कुर्सी पर बैठे हुए और कोई आ गया आपको बोला थोड़ा खड़ा होना, कोई आ गया है आप तेरा उसको कुर्सी दे दो, समझना आप अभी तब तक सांस मत लेना। बहुत अच्छा लगता है दारू पीना, सिगरेट पीना, लड़कियों से बात करना, घूमना, ठीक है। उसके बाद आज से 5 साल बाद, आज से 6 साल बाद, आज से 10 साल बाद जिसकी जॉब नहीं होती ना, तो उसका शादी भी अच्छी जगह नहीं होती, या नहीं भी होती, या नहीं आता। लेकिन जब आपकी शादी, जब आपकी जॉब हो जाती है ना, देखते हो आपके पास ऑप्शन हो जाती है कि जहाँ चाहो वहाँ शादी कर सकते हो, इतने तरह से इतने सारे ऑप्शन आपके पास आते हैं। तब वो आप पे आए, अगर आप पे आना होता तो पहले क्यों नहीं आया, वो आपके पीछे जो टैग लग गया ना गवर्नमेंट जॉब का या सक्सेसफुल का, उसको देख के आया है ना। तो बस एक गोल बनाइए और इसके पीछे दौड़ते रहिए, जब तक उसे हम अचीव ना कर लें सांस मत लीजिए। हमने वही किया, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तुम, मेरा घर नालंदा है, बिहार शरीफ है, तुम पूछ सकते हो या जान सकते हो, मेरा जीवन वहीं गुजरा, लेकिन मैं अब नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? टाइम ही नहीं जाने का। अभी देखो कल जाऊंगा, या तो लॉकडाउन लग गया तो अच्छा मौका है तब जा सकता हूं, लेकिन दिल्ली में रहता हूं तो और भी बहुत सारे काम मेरे रहते हैं जो मैं करता रहता हूं। तो अपना गोल को देखिए, महसूस कीजिए, फील कीजिए, सुबह उठें, कुछ मत सोचिए। एक तो पहले सुबह उठ जाइए, तो सुबह का कैसे उठोगे आप रात, तो सुबह उठोगे नहीं आप, रात में पहले सो जाओ, 10 से 10:30 के बीच में आप सो जाओ, हार्डली 11 बजे आप सो जाओ, तो सोगे कैसे, नींद कैसे आएगी? यहां तो इंतजार है किसी का फोन पे, करते रहो इंतजार, इंतजार नहीं पूरा होगा। जो चीज आप पाना चाह रहे हो वो चीज नहीं आप, वो दुख हो गया आपके 5 साल के बाद। आप सुबह उठ जाओ, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कर लो, उससे बॉडी भी सही, बॉडी के साथ उसके साथ माइंड भी सही। आप योगा कर सकते हो, जिम जा सकते हो, रनिंग कर सकते हो, रस्सी फांद सकते हो, इससे आपको थकावट होगी तो रात में नींद टाइम पे आ जाएगी, रात में नींद टाइम पे आ जाएगी तो सुबह आप जल्दी उठ जाओगे। सुबह जब भी उठो बिना ब्रश किए हुए, बिना कुल्ला किए हुए, देखो सुबह में उठते ना हम लोग के मुंह में ना हल्का हल्का ना ये लार जैसा रहता है, सटा सटा रहता है कभी कभी जब गहरा नींद में सोते हैं, है ना। और हम लोग क्या करते हैं, कुल्ला कर लेते हैं, नहीं उसको रहने देना, ये आधे लीटर जितना भी हो, आधे लीटर पानी या 1 लीटर पानी या जितना भी आप पी सकते हो उसके साथ ही आप पी जाओ। हाँ अब ड्यूटी टाइम तो चेंज होता है तो उसके साथ आप पी जाओ, एक्सरसाइज करो, कुछ दिन करके देखो, ये आपकी हैबिट हो जाएगी। आप लेट उठोगे तो लेजी हो जाएगी, फिर उसको आपको कोई काम करने मजा नहीं आएगा। एक चीज हमेशा ना अपना स्टेटस में लिख लेना, फिजिकली फिट मेंटली कूल, ये बात दिमाग में रखना। फिजिकली फिट रहिए, कुछ भी काम करना हो कोई दिक्कत नहीं, मेंटली कूल रहिए। गलत रास्ते पे जाना बहुत आसान काम है, सिगरेट पीना बहुत आसान काम है, पूरे जीवन आप सिगरेट ना पिए ये बहुत मुश्किल काम है। तो मुश्किल काम करो, सिगरेट पीने से क्या फायदा, शरीर भी नुकसान, सामाजिक हानि भी। हाँ पीना, जिस दिन जॉब लग जाएगी ना
तुम्हारी और हमसे मिलना ना, तो सिगरेट तुम डालोगे और माचिस मैं लगाऊंगा, लो पियो। जिस दिन सक्सेस का लेटर हाथ में होगा या बोल दोगे सर आज सक्सेस हो गए, उस दिन पीना, सिगरेट तुम पियोगे माचिस मैं जलाऊंगा, दोनों साथ में पियेंगे, लेकिन उसी दिन पियेंगे। अभी 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 पीकर क्या करोगे? तो आपका उठने और सोने का टाइम मेमोरीज देखते हो कि मतलब नींद ऐसी आनी चाहिए ना कि बिल्कुल एकदम जैसे बोलता खर्राटा मार रहा है आदमी, कैसे मारता है खर्राटा? कभी कभी हम भी खर्राटा मारते हैं, वाइफ बोलती है अरे इतना खर्राटा क्यों मार रहे हो, कभी कभी मारते हैं। वो जब खर्राटा भारी नींद जब आती है ना, मतलब खर्राटा मतलब पूरा खर्राटा मतलब पूरा एकदम घोड़ा बेच कर सोना।